जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग गीता प्रेस के कल्याण अंक से लिया गया है। यह बात सबको विदित है कि जब तक मनुष्य निरुपाय नहीं होता और लौकिक साधनों को कार्यान्वित करके असफल नहीं होता, तब तक वह भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता। क्योंकि मनुष्य का ऐसा स्वभाव होता है कि वह पहले अपनी शक्ति को काम में लाता है, उसमें सफलता न मिलने पर अपने सगे संबंधियों और सहायकों की आशा करता है। जब सब तरफ से निराश होता है तब भगवान की शरण में जाता है, और जब सब तरफ से अंधकार निराशा ही दिखाई पड़ती है तभी हृदय में सच्ची अनन्यता का भाव उत्पन्न होता है। हृदय में ज्यों ही भगवान के प्रति अनन्यता का भाव उत्पन्न हुआ, त्यों ही उसकी वाणी में, स्वर में, आँखों के आंसुओं में वह शक्ति आ जाती है कि भगवान को वहाँ बरबस जाना पड़ता है। वह है प्रार्थना की शक्ति। द्रौपदी और गजेंद्र की परिस्थिति जब ऐसी हुई कि अपनी और आत्मियों की शक्ति निष्फल हो गई, द्रौपदी का जिन पर भरोसा था वे काष्ठ की मूर्ति की तरह निश्चेष्ट बैठे देखे गए। उनके हाथों का बल तो पहले ही जवाब दे चुका था, अब केवल एक ही क्षण का समय था कि पांडवों की पत्नी और कृष्ण की परम प्रिया द्रौपदी सभा के बीच निरावरण हो जाती। उस समय द्रौपदी के हृदय की अवस्था को स्वयं द्रौपदी ही जान सकती है। शब्दों से वर्णन करना कठिन ही नहीं, बिल्कुल असंभव है। उस समय द्रौपदी को महर्षि वशिष्ठ का उपदेश स्मरण हुआ कि बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ने पर भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए। द्रौपदी ने अनन्य शरणा होकर हृदय से भगवान का स्मरण किया कि हे कृष्ण द्वारिका वासिन गोप गोपी जनप्रिय। द्रौपदी ने बारंबार गोविंद और कृष्ण का नाम लेकर पुकारा और आपत्ति काल में अभय देने वाले लोकों के प्रपितामह प्रभु नारायण देव भगवान श्री कृष्ण का मन ही मन चिंतन किया। वह बोली, हे गोविंद, हे द्वारिकावासी श्री कृष्ण, हे गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ, हे केशव, कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, इस बात को क्या आप नहीं जानते? हे नाथ, हे लक्ष्मीनाथ, हे ब्रजनाथ, हे संकट नाशन जनार्दन, मैं कौरव रूप समुद्र में डूबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगिन, विश्वात्मन, विश्वभावन गोविंद, कौरवों के बीच कष्ट में पड़ी हुई मुझ शरणागत अबला की रक्षा कीजिए। राजन, इस प्रकार त्रिभुवन के स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण का बार बार चिंतन करके माननी द्रौपदी दुखी हो अंचल से मुख ढककर जोर जोर से रोने लगी। द्रौपदी की करुण प्रार्थना सुनकर कृपालु श्री कृष्ण गदगद हो गए और शैया और आसन को छोड़कर दया से द्रवित हो पैदल ही दौड़ चले। द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण, विष्णु, हरि और नर आदि भगवान नामों को जोर जोर से पुकार रही थी। इसी समय धर्म स्वरूप महात्मा श्री कृष्ण ने वहां पधारकर अव्यक्त रूप से उसकी साड़ी में प्रवेश किया और विविध भांति की सुंदर साड़ियों के द्वारा द्रौपदी को ढक दिया। इस प्रकार वस्त्र के रूप में भगवान वहां तुरंत आ पहुंचे। मायापति के सामने क्या कभी मायावी दुर्योधन और दुशासन का मनोरथ पूर्ण हो सकता था? कभी नहीं। 10,000 हाथी के बल से संपन्न दुशासन के हाथ थक गए, परंतु द्रौपदी की साड़ी का अंत नहीं हुआ। अंत में लज्जा से नीचा सर करके वह बैठ गया
सभा में भगवान श्री कृष्ण की जय की ध्वनि गूंज उठी। भगवान की प्रार्थना में भगवान के नाम, गुण और प्रभाव का ही तो उल्लेख होता है और उन्हीं के प्रभाव से प्रार्थना सफल होती है। गजेंद्र ने भी ऐसी ही परिस्थिति में भगवान को स्मरण किया। जब गजेंद्र ने पानी पीने के लिए जल में प्रवेश किया, तब दुर्भाग्यवश किसी बलवान ग्राह ने क्रोध से उसका पैर पकड़ लिया। उसके साथ उसके सहायक सैकड़ों हाथी और हथनियां थीं। उसने अपनी सहायता के लिए उनको बुलाया। वह स्वयं भी बहुत बलवान था, परंतु जब भाग्य प्रतिकूल होता है तब सभी उपाय निष्फल हो जाते हैं। इसलिए उसके सहायकों का प्रयत्न निष्फल हो गया और उसको ग्रह से छुड़ाने में समर्थ नहीं हुए। वे तट पर खड़े होकर रोने लगे और चिल्लाने लगे। अब उसको अपने बल का ही भरोसा रह गया। ग्रह के साथ युद्ध करते हुए उसको 1000 वर्ष बीत गए। कभी हाथी ग्रह को खींचकर जल से बाहर ले आता, कभी ग्रह हाथी को खींचकर जल में ले जाता। इस युद्ध को देवताओं ने बहुत आश्चर्य से देखा। जब हाथी का बल घटने लगा तब उसके मन में चिंता बढ़ी। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में राजा परीक्षित ने ग्राह और गजेंद्र की कथा पूछी थी। तब सुखदेव जी ने उनसे इस कथा का वर्णन किया था। तात्पर्य यह है कि जब तक हाथी को अपने बल का, सहायकों का तथा हथनियों का भरोसा रहा, तब तक उसने भगवान का स्मरण नहीं किया। जब वह सब तरफ से हताश हो गया और उस पर संकट उपस्थित हो गया, तब उसने भगवान का स्मरण किया। उस संकट काल में भगवान की स्मृति से जल में डूबते हुए को जैसे कोई नाव मिल जाए, उसी तरह उसके मन को सहारा मिल गया। उस समय संसार के सभी संबंधियों को वह भूल गया। एकमात्र भगवान ही उसके दृष्टिगोचर होने लगे। इस तरह जब उसको अनन्यता प्राप्त हो गई, तब उसके हृदय से प्रार्थना के शब्द निकल पड़े। देखिए, भगवान के नाम जप से भगवान में शक्ति उत्पन्न होती है। भगवान शंकर और ब्रह्मा भी भगवान नाम का जप करते हैं। ब्रह्मा भी भगवान नाम का जप करते हैं। भगवत भक्ति में नाम की प्रधानता है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने उत्तर कांड के पहले दोहे में, जब हनुमान जी लंका से अयोध्या में आते हैं तो उन्होंने भरत जी की जो अवस्था देखी उसका चित्रण किया है। उससे ज्ञात होता है कि भक्ति में नाम की कैसी प्रधानता है। कि राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जनु पोत, बैठे देखि कुशासन जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। भरत की भक्ति को देखने से हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उनका शरीर पुलकित हो गया, आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर उन्होंने भरत जी से कहा, जासु बिरह सोचन दिन राती, रटहूं निरंतर गुणगन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयों कुशल देव मुनि त्राता। भक्ति तो अपने इष्ट देव की आराधना चाहती है। सदा भगवान के नाम, गुणों और प्रभाव का स्वयं जप करते रहना ही भक्ति है। नवदा भक्ति में भगवान नाम जप दूसरी भक्ति है। जैसे पहली भक्ति श्रवण है, दूसरी भक्ति कीर्तन है। कीर्तन भगवान नाम का ही प्रधान रूप से होता है। भक्त को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसको वह भगवान से ही मांगता है और उनके नाम, गुण तथा प्रभाव को गाता है। निष्काम भाव से भगवान की महिमा का वर्णन स्तुति है और किसी वस्तु के लिए भगवान के नाम गुण का वर्णन प्रार्थना है। सकाम भाव से स्तुति करने पर भगवत कृपा से ऐहिक सुख की प्राप्ति होती है और पारलौकिक सुख की भी प्राप्ति होती है। जय श्री राधे।
जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।